वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 250F के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना है, बजाज पल्सर 250F के बारे में, ना कि बजाज पल्सर 220F के बारे में। तो बजाज जो है इंडिया में काफ़ी सारी बाइक को लॉन्च करने वाला है 250cc सेगमेंट में। बजाज ने डोमिनार 250 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी आपको बजाज पल्सर NS250, RS250 और 250F देखना बाकी है। बजाज ने जब 250cc सेगमेंट में कदम रख ही दिया है तो वो अपनी सारी बाइक को अपडेट करके वापस से रीलॉन्च कर देगा, जिसमें कि आपको 250cc के इंजन मिल जाएंगे। बजाज की आने वाली सभी बाइकों में अब आपको 250cc का इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको काफी तरह के चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको इन सभी बाइकों में डोमिनार 250 का ही इंजन देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको बाइक के जो इंजन की ट्यूनिंग है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी, बाकी का भाई ये तो कंफर्म है कि आपको इंजन तो सेम ही मिलने वाला है। बजाज पल्सर 250F की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ जाकर आप बजाज पल्सर 250F की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आपको आने वाले समय में बजाज पल्सर 250F कैसी देखने को मिलेगी और आपको उस बाइक में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं बाइक के पहले चेंज के बारे में। तो आपको अभी जो है 220F में हाफ फेयरिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको आने वाले 250F में फुल फेयरिंग देखने को मिलेगी, जिससे कि उस बाइक का लुक अब और भी अच्छा हो जाएगा। अभी भी इस बाइक का लुक काफी अच्छा है हाफ फेयरिंग के साथ, लेकिन आने वाले 250F और भी ज्यादा हैवी रहेगी, और भी ज्यादा मस्कुलर रहेगी और काफी लुक में ब्यूटीफुल बाइक रहेगी। तो बात कर लेते हैं कि आपको और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको 250F में फ्रंट में UHD के फोर्क देखने को मिल जाएंगे, अब आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाले हैं, और आपको रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको डोमिनार 250 में फ्रंट में UHD और रियर में मोनोशॉक मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही आपको 250F में फ्रंट में UHD और रियर में मोनोशॉक मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि आपको 250F में और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको आने वाले 250F में फुली डिजिटल मिरर कंसोल देखने को मिलेगा। अभी आपको 220F में डिजिटल प्लस एनालॉग मिरर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी आउटडेटेड सा हो गया है, लेकिन आपको आने वाले समय में 250F में फुली डिजिटल मिरर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात रहने वाली है बजाज की ओर से। तो बात कर लेते हैं कि आपको बजाज पल्सर 250F में और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको इस बाइक में हेलोजन के हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको आने वाले समय में LED के हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको हेलोजन के प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बाद में LED के प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे, और आपको इस बाइक में LED के टेल लैंप और LED के इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको बजाज पल्सर 250F में LED के जो टेल लैंप है वो आपको बाद में भी सेम ही मिलेंगे, जो कि पल्सर का लोगो है भाई। पल्सर की जो टेल लैंप है वो आपको हमेशा से सेम ही मिलती आ रही है, और वो आपको हमेशा से सेम ही मिलेगी, आपको बाइक के टेल लैंप में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कि आपको 250F में और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आपको इस बाइक में अंडर वेली का एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। अभी आपको 220F में साइड एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, लेकिन आपको बाद में अंडर वेली एग्जॉस्ट मिल जाएगा, और आपको बजाज पल्सर 250F में फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको इस बाइक में ड्यूअल चैनल ABS भी मिल जाएगा। आपको इस बाइक के फ्रंट में 300mm की डिस्क मिल जाएगी, जो कि आपको डोमिनार 250 में मिल जाती है, और आपको इस बाइक के रियर में 230mm की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, जो कि आपको डोमिनार 250 में मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं बाइक के अगले चेंज के बारे में। तो भाई आपको इस बाइक का जो रिम का डिज़ाइन है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। इस बाइक की जो रिम की डिजाइनिंग है वो आपको काफी अलग देखने को मिलेगी आने वाली 250F में, और आपको इस बाइक के फ्रंट में 100mm के टायर देखने को मिल जाएंगे, और आपको इस बाइक के रियर में 130mm के टायर मिल जाएंगे। आपको दोनों टायर टनाटन ट्यूबलेस देखने को मिलेंगे 17 इंच की अलॉय व्हील्स के साथ। तो बात कर लेते हैं बजाज पल्सर 250F के इंजन के बारे में। तो आपको इस बाइक में 248.77cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं बाइक की पावर फिगर के बारे में। तो आपको इस बाइक में 27 BHP का मैक्सिमम पावर मिल जाएगा,
और आपको इस बाइक में 23.5 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। और आपको इस बाइक में सिंगल सिलेंडर 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको डोमिनार 250 में मिल जाता है। तो आपको इस बाइक में ज्यादातर पार्ट्स जो है वो डोमिनार 250 से ही लिए गए होंगे। तो फाइनली बात कर लेते हैं बजाज पल्सर 250F के प्राइस के बारे में। तो ये बाइक आपको लगभग इंडिया में 1.60 लाख के आसपास एक शोरूम देखने को मिल जाएगी। भाई ये कंफर्म प्राइस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। प्राइस आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की। तो भाई ये बाइक आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगी, ये बाइक आपको अगले साल देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये बाइक आपको 2021 में मिल जाएगी। बजाज जो है अपनी सारी बाइक को अपडेट करके लॉन्च करेगा, जिसमें कि वो काफ़ी तरह के चेंजेस करने वाला है। तो जो लोग बजाज पल्सर 250F को परचेज करना चाहते हैं तो वो कुछ दिन का और वेट कर सकते हैं, वरना भाई 220F तो अच्छी है ही। तो आप चाहे बजाज पल्सर 220F को परचेज कर लीजिए, चाहे बजाज पल्सर 250F को परचेज कर लीजिए। ये दोनों ही बाइकें काफ़ी अच्छी हैं और दोनों ही बाइकें काफ़ी पावरफुल हैं और रहेंगी। बजाज पल्सर 250F की पूरी जानकारी के लिए भाई मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे दे रखा है, वहां जाकर आप बजाज पल्सर 250F की पूरी जानकारी फुल डिटेल में पा सकते हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।